सा, बिल्कुल ही चिंदी चोर है। हाँ, इसने सारे पैसे ना अपने मोबाइल में रखे होंगे। अभी इसके मोबाइल से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। अब आएगा मजा, सारे पैसे इसके मोबाइल से मेरे अकाउंट में हैं। इस पे तो पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड क्या होगा, क्या होगा? हाँ, इसका डेट ऑफ बर्थ होगा इसका पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, ये मुझे कुत्ता कुत्ता बोलती है। इसने जरूर लिखा होगा मेरा भाई कुत्ता है, मेरा भाई कुत्ता है। You have entered an old password. मतलब इसने पहले पासवर्ड रखा होता मेरा भाई कुत्ता है। इसे नहीं छोड़ूंगा, आज तो इसके मोबाइल से सारे पैसे ट्रांसफर करके रहूंगा। हाँ, इसकी फिंगर टच कराता हूँ। इसकी नोज। इसके पैर की फिंगर टच कराता हूँ। कितनी बदबू आ रही है इसके मोजे से। पासवर्ड तो खुला ही नहीं, अब क्या करूं? भाई मुझे पता था तू ऐसी छपरी हरकत करेगा। पासवर्ड चाहिए। खुल गया। तूने ये पासवर्ड रखा था? बहन कुछ पैसे दे दे क्रिसमस के लिए, मुझे केक पेस्ट्री ट्रीज ये सब लेकर आना है, प्लीज कुछ पैसे दे दे। चल चल, भिखारी गई का आधा था पैसे मांगने। तूने मुझे भिखारी बोला, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये डोर पे कौन है, चल जाके डोर खोल क्या। कौन था, किससे लड़ रही हो? पता नहीं भाई, कोई बाबा था, मुझसे पूछ रहा था घर में हो या नहीं हो। मैंने बोल दिया दिख नहीं रहा क्या, सामने तो खड़ी हूँ। उसने हो बोला? हाँ। सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा सा था? हाँ। उसने लाल कलर के कपड़े पहने थे? हाँ भाई हाँ। तुझे कैसे पता? अबे गवार, कभी स्कूल गई होती तो पता होता ना। वो सेंटा क्लॉज थे, सेंटा क्लॉज हमें बड़े बड़े गिफ्ट देने आए थे और तूने उन्हें भगा दिया। लेकिन भाई मम्मी पापा घर पे नहीं है, ऐसे किसी को अंदर आने दे, कोई चोर डाकू हुआ तो। बहन बात तो तू सही कह रही है, और तूने सही करा भगा दिया। आजकल किसी पे ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते, क्या पता कौन सेंटा बन के हमारा बंटा धार कर दे। देख भाई ये तो चेपी हो गया। रुक अदिति, मैं इसे बताता हूँ, अगर इसकी हो आ आ आ में ना बदल दी ना, तो मेरा नाम बदल दियो। रुक चल। आप कौन? मैं हूँ सेंटा, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस वाला। अब चुप, तेरा हर साल का है। ये नहीं दिखी है मार्केट में, इंट्रो कराना। ये है सेंटी। हेलो सेंटी जी। मेरी सेंटी है, दूर रह थोड़ा। आपके पास ये झाड़ू? झाड़ू? हाँ, ये हमारी नौकरानी है ना, तो मैं इसे बोल रहा था झाड़ू लगा ले। चलो झाड़ू लगा। अबे यार नौकरानी होगी मेरी जूती, घुसा मर गई यही ढेर हो जाएगा। और हाथ तुम सेंटी हो या घंटी, हमें फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहाँ से, किसी और की घंटी बजाओ। ए, क्या कर रही है तू, पागल है? ये असली के सेंटा सेंटी है, इन्हें अंदर आने दे। अच्छा तुझे कैसे पता? देख नहीं रही सेंटी कितनी हॉट है। क्या हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं? घर के अंदर क्या, आप तो मेरे दिल के अंदर आ सकते हो। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ अंदर आओ। आओ ना सेंटी जी। वाओ, तुम लोगों का घर कितना अच्छा है। तुम लोगों का क्या होता है, अरे इसे अपना ससुराली समझो, शादी के बाद तो वैसे भी तुम्हें यहीं आना है। जी क्या मतलब?
कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था हमारे पापा बहुत अमीर है, ऐसे तो 5-7 घर है हमारे, और मेरे पास अपनी खुद की पर्सनल एटलस साइकिल है, उसको मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा ट्रिंग ट्रिंग करता हुआ। सच्ची? मुच्ची दे दो ना एक मुच्ची। मेरे पास ना बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पापा भी बहुत अमीर है, वहां तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, और मेरी बहन है ना ये तो हमारी काम वाली है। पागल हो गए क्या, इन अनजान लोगों को घर की सारी बातें बताया जा रहा है। अरे अनजान है तभी तो सारी बातें शेयर कर रहा हूँ, तभी तो जान पहचान बढ़ेगी, और भगवान ने चाहा तो क्या पता है सेंटी तेरी भाभी भी बन जाए। भाभी? तेरा दिमाग खराब है क्या, भाभी बन जाए? ये लोग चोर डाकू मर्डर कुछ भी हो सकते हैं। तो पागल है क्या, कुछ भी बोलती है, देख कितनी मासूम है मेरी सेंटी, अरे इनके हाथ से तो मैं 7 मर्डर भी माफ कर दूं। तो बच्चों बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा आप विश पूरी करोगे, खुद तो दूसरों के घर जा जाकर घंटी बजानी पड़ रही है, आप जैसा सेंटा घंटा कोई विश पूरी नहीं कर सकता। अरे मेरे पास इस झोले में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अच्छा जरा बताना क्या क्या गिफ्ट है। मेरे पास इसमें ड्रेसेस है, चॉकलेट्स है, मोमोज है, और आईफोन भी है। आईफोन? क्या सच में झोले में आईफोन है? हाँ हाँ और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हें कल मिलेंगे जब तुम सोकर उठोगे मॉर्निंग में। ठीक है चल मैं सोने चलते हैं। अरे मेरा मतलब ओ किधर सोने? पर सोने क्यों? आपने तो बोला कल सुबह सो के उठेंगे तो गिफ्ट मिलेंगे। अरे तो विश इतनी आसानी से पूरी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत? यार मुझे ना थोड़ी भूख सी लग रही है। बताओ ना सैंटी बेबी क्या खाओगी आप, मैं अभी बना कर लाता हूँ। फिलहाल तो मैगी से काम चल सकता है। मैं अभी मैगी बना के लाता हूँ। यूं गया और यूं आया। बच्चा तुमको आईफोन चाहिए ना? हाँ आईफोन 13। आईफोन 13 नहीं, मैं तुम्हारे लिए आईफोन 21 लेकर आऊंगा, वो भी फ्यूचर से। आईफोन 21 नहीं चाहिए? जी जी जी। तो जाओ जल्दी घर की सारी इम्पोर्टेंट चाबियां लेकर आओ। चाबी? लेकिन चाबी क्यों? आईफोन 21 क्या बिना पासवर्ड रखोगी? नहीं। तो उसके लिए चाबियां तो चाहिए होगी ना बच्चा? तो जाओ जल्दी से जल्दी घर की सारी चाबियां लेकर आओ। ठीक है मैं अभी लेकर आई, मेरा आईफोन 21 आने वाला है। ओये, ओये, ओये। सेंटी जी ये लीजिए आपकी मैगी, इसमें मैंने अपने हाथों से बहुत सारा प्यार डाला है। बताओ बच्चा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ भी मांग लूं, मना तो नहीं करोगे? नहीं नहीं बच्चा जो भी मांगना है दिल खोल के मांग। कुछ भी मांग लूं, मना तो नहीं करोगे? हाँ कुछ भी। मेरी ना सेंटी जी से सेटिंग करा दो। बदतमीज तू हमसे हमारी झोली मांग लेता तो वो हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन तुमने तो हमारे से हमारी सैंडी ही मांग ली। अबे ओ पालिका बाजार के बाजीराव मस्तानी विश पूरी करो जल्दी से। ठीक है कोई और ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। अबे तुम यहाँ कौन बनेगा करोड़पति खेलने आए हो क्या, जो तुम्हें ऑप्शन चाहिए जल्दी से विश पूरी कर दो मेरी। सेंटी जी से सेटिंग करा दो। हाँ हाँ ठीक है, अपनी विश पूरी करने के लिए तुम्हें मेरे हाथ पैर दबाने पड़ेंगे। है हाथ पैर क्यों? अरे एक तो मेरी बंदी लेकर जा रहा है और ऊपर से मेरे से जमाल लड़ाता है। तुझे सेंटी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए लाओ चाहिए। ओए आ बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट बांटे आज तो। सुनो ना पंकज बेबी। हाँ बोलो ना बेबी। वो मेरे पास ना न्यू ईयर के लिए न्यू ड्रेस ही नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो न्यू ड्रेस लेने के लिए? बस इतनी सी बात? ये लो बेबी और लो और लो, ये लो बेबी और लो और लो। थैंक यू बेबी। पर बेबी इसमें तो केवल ड्रेस आ पाएगी, मैं मेकअप और ज्वेलरी कहाँ से लूंगी? एक मिनट और देता हूँ। ये लो मेरा एटीएम कार्ड, ये लो मेरा दूसरा एटीएम कार्ड, ये लो मेरा तीसरा एटीएम कार्ड, ये लो मेरा चौथा एटीएम कार्ड, सारे रख लो। लेकिन पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं है। अरे बेबी अब तुम मेरी हो,
तो जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। कहानी धर लो। ये लो सेंटा जी चाबियां और मेरा आईफोन। अब तुम दोनों की विशेष कबूल हो गई है। ये लो तुम दोनों चॉकलेट्स खाओ और जाके सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो तुम्हारे गिफ्ट टेबल पे रखे होंगे। सेंटा जी सेंटी को टेबल की जगह मेरी बाहों में भेज देना। ए, क्या बोल रहा है? तुम्हारी विश कैंसिल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं हम सोने जा रहे हैं। जल्दी चॉकलेट खा लो दीदी फिर सो जाएंगे। ये क्या हुआ? वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। दिखा क्या भाई? क्या हुआ? किसका मैसेज है? किसी ने मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिया दीदी। क्या? पर किसने? सेंटी। भाई मम्मी पापा अब क्या करें? भाई एक काम करते बहन, हम अपने हाथ पैर बांध लेते हैं और मम्मी पापा को झूठ बोल देंगे कि बड़े बड़े टेररिस्ट आए थे बड़ी बड़ी गन लेकर और उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए और पूरा घर लूट के चले गए। हाँ भाई, अगर मम्मी पापा को पता चल गया कि हमने गिफ्ट के चक्कर में सेंटा क्लॉज से घर लटवा दिया तो मम्मी पापा हमें छोड़ेंगे नहीं। चल बहन जल्दी चल। चल भाई। पंकज अदिति ये क्या हुआ बेटा? बेटा ये हल कैसे हुआ तुम्हारा? पूरी हाथ किसने बांधे? मम्मी वो नाम सो रहे थे और एकदम से ना घर में आतंकवादी घुस पड़े। हाँ और उनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी गन्स थी और उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए। हाँ मम्मी और ना वो घर में जितने भी पैसे थे ना वो सब ले गए और बाहर के एटीएम कार्ड भी। सॉरी मम्मी। बेटा आप लोग परेशान मत हो और रोना बंद करो, घर पर मैंने कुछ खास सामान रखा ही नहीं था। हाँ बेटा हम जितना सामान रखते हैं वो सब बैंक लॉकर में रखते हैं, घर में थोड़ा सा ही सामान है और ये चांदी सोना तुम दोनों से बढ़कर थोड़ी ना है। है पापा सच्ची? हाँ बेटा सच्ची मुच्ची। इसका मतलब हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नहीं बेटा अब तुम दोनों रोना बंद करो और शाम की क्रिसमस पार्टी की तैयारी शुरू करो। क्रिसमस पार्टी? हाँ बेटा क्रिसमस पार्टी। हाँ हमने क्रिसमस ट्री केक पेस्ट्री सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, अब तुम जल्दी जल्दी जाओ और शाम की पार्टी की तैयारी करो। हाँ भाई आज तो पार्टी में मजा ही आ जाएगा। चलो अदिति जल्दी से तैयार हो जाते हैं। वाह भाई देख रहा है मम्मी ने कितनी अच्छी पार्टी रखी है। बहन मम्मी तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली, कती मौज कर दी पार्टी में। चल बहन केक खाते हैं। चल भाई। अरे भाई ये तो वही सेंट है जिसने हमारे घर में चोरी करी थी। हाँ बहन तू सही कह रही है लेकिन मेरी सेंटी कहाँ है? अबे ओए उसको सारे पैसे मिल गए अब वो यहाँ आके क्या करेगी? सही कह रही है बहन, वो तो सोनम गुप्ता निकली 10 का नोट तक नहीं छोड़ के गई जिसपे मैं लिख सकूँ सोनम गुप्ता बेवफा है। तो चुप कर, एक काम करते हैं मैं कंबल लेकर आती हूँ और फिर बाद में इसको दबोच के पीटेंगे। सही कह रही है मैं भी कुछ लेके आता हूँ, तू कंबल ला। मैं लाई। मारो चोर 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 मारो।
चोर 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 मम्मी चोर मम्मी चोर मम्मी चोर मम्मी चोर। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी आपको याद है हमारे घर जो टेररिस्ट आया था चोरी करने? हाँ मम्मी, वो सेंटा बन के आया था और हमें बुद्धू बना के पूरा घर लूट लिया। क्या? हाँ मम्मी, और वही सेंटा इस बार हमारी पार्टी में घुसा, लेकिन इस बार हमने उसे पकड़ कर उसे कम्बल में डाल के उसकी कूट कूट के चटनी बना दी। मारो मारो। क्या? हाँ मम्मी आप डरो मत, जल्दी पापा को बुला के लाओ, इसकी आज चटनी बना देंगे। हाँ मम्मी जल्दी जाओ, पापा है कहाँ, बुला के लाओ ना। नलायक को आज तुम्हारे पापा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए सेंटा बने थे। क्या? भगवान, ये दोनों ने क्या हाल कर दिया अपने पापा का। सॉरी पापा। हाँ पापा सॉरी, हमें लगा कि चोर है। अच्छा तुम्हें लगा कि चोर है, पूरा घर चोरी करवा दिया सेंटा से, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाय गाइस। हमारी